ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल चमकती किस्मत में स्वागत है। आप सभी दर्शकों का वेद पंडित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम हर रोज़ आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां बताते हैं जिससे आप सभी को इससे लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि हमसे जुड़े प्रत्येक दर्शक हमेशा खुश रहें और अपने परिवार के साथ खुशहालीपूर्ण जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इन बातों को पूरे विश्वास के साथ मानते हैं तो यकीन करिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। दोस्तों, हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और अधिक से अधिक धन भी अर्जित करता है, परंतु उसके यहाँ हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कल आपके ही साथ काम करते थे, या ये कहें कि आपके ही यार दोस्त थे, लेकिन वे देखते ही देखते धनवान बन गए। उनके यहाँ हर सुख साधन की वस्तु है, उनका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है और वह आज कल अपनी कारों में घूमते हैं, एसी में रहते हैं। उनकी पत्नी सोने के गहने पहनकर घूमती है। जिनके पास कल तक कुछ नहीं था, उनके पास आज अपार धन है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारी बताई बात पूरे ध्यान से समझ ली तो आप भी जल्दी ही धन्यवाद बन सकते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल है, यह एक स्थान पर बहुत ही कम रुकती हैं, लेकिन हमें इन्हें अपने घर में स्थायी रूप से रोकने के लिए कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब भी घर में पैसा लाएँ तो पैसों को सबसे पहले घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और अगले दिन नहा धोकर पवित्र होकर 3 बार ताली बजाकर पैसा माँ लक्ष्मी के सामने से उठाएं और उसमें से 11 या 21 या 51 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वह माँ लक्ष्मी के सामने रखा रहने दें। दोस्तों, हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो अपने यार दोस्तों को शेयर अवश्य ही कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हमारी बताए उपाय से लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य ही देखिए, जिससे हमारी बताई जानकारी आप पूरी तरह से समझ सकें। दोस्तों, अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों, दूसरा काम आपको ये करना है कि जो भी पैसा आप लेकर आए हैं मंदिर से दूसरे दिन आप उठाने के बाद, उसमें से कुछ पैसा आप जहां पर भी पैसा रखते हैं वहां पर ज़रूर रखें। ये पैसा आप अपनी बचत के हिसाब से रखें, 500, 1000, 2000 जो भी रख सकते हैं रखें, और तिजोरी में गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी का चित्र ज़रूर लगा दें और सिंदूर और कुमकुम से तिलक कर दें। और दोस्तों, सुबह सुबह किसी को पैसा नहीं दें और सूर्य अस्त होने के बाद भी किसी को पैसा नहीं दें। रविवार और मंगलवार को आप किसी को पैसा नहीं दें और बुधवार के दिन आप किसी को पैसा उधार नहीं दें, क्योंकि इस दिन दिया हुआ पैसा बहुत ही मुश्किल से वापस हो पाता है। दोस्तों, और भी जानकारियां बहुत हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पर वीडियो को विराम दे रहे हैं, क्योंकि यह विषय बहुत ही गहन है और लंबा है, इसलिए आगे की जानकारी हम आपको आगामी वीडियो में बताएंगे। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकती किस्मत देखते रहिए। धन्यवाद।